हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ब्रांच का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ तक आ रहा है ना? तो देखिए, क्लीन है, ब्लैक तो नहीं है। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर वन जो है वो हम लोग बना रहे हैं। ब्रांच ये डिपार्टमेंटल है, चैप्टर का नाम ये बीकॉम पार्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ठीक ना? तो यहाँ तक लगा दो, लगा नहीं, लॉक कर दो ऐसे। हाँ ठीक, वो अथी कैमरा वो काला नहीं आ रहा, साफ आ रहा ना, हमारा धुंधला नहीं आ रहा सीन। वो पीछे वाला गेट खोल दो, वो पीछे वाला गेट जाकर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मेट एक बना रहा हूँ। फॉर्मेट देखिए, ठीक है, हम लोगों को बनानी है डिपार्टमेंटल अकाउंट। इसमें दो डिपार्टमेंट है तो दो का कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो देखेंगे इसमें डिपार्टमेंटल कौन कौन सा है वो जरा समझिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार स्टडीज कर दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन निम्नलिखित शेष एबीसी सॉन्स की पुस्तक है, कत द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013 हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी एंड सन विच हैज टू डिपार्टमेंट। कत एबीसी एंड सन कंपनी है जिसको दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, जिसकी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी आइटम गिवन है। उसके बाद है ऑफिस एंड सेल्स सेलिंग एक्सपेंस है 120,000, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स दिया है 30,000, ठीक ना? उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कहता है अनएलोकेटेड एक्सपेंस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल्स ऑफ इस डिपार्टमेंट, ठीक ना? प्रिपेयर कॉलमनर फॉर्मेट द ट्रेडिंग एंड पीएल लॉस अकाउंट ऑफ द टू डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, यहाँ भी होगा डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एकदम आराम से समझनी है हम लोगों को, किसी प्रकार का इशू नहीं है, ठीक है? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छी बातें हैं। ठीक है,
यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर ठीक है, यहां पे भी होगा पार्टिकुलर्स। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग का है पार्ट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेज ठीक ना, बाय में बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू साइड में जो भी होंगे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाएगा ठीक ना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको मैं लिखूंगा बाय साइड में बाय बीडी करके ठीक है, ये भी हो जाएंगे ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आएंगे ये, तो बाय बाय सेल्स अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, तो बाय सेल्स, बाय सेल्स है 6,06,000, 4,02,000, तो 6,06,000 से उसको हम लोग क्या करेंगे सेल्स को रिटर्न को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,00,000, उसका 4,02,000 है, उसमें से 2,000 रुपया हम लोग सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 26,000 और 24,000, 26,000 और 24,000 ठीक है। उसके बाद टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक टू टू परचेज टू वेजेज ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000 और 20,000 उसका परचेज का अमाउंट देखेंगे कितना दिया है, परचेज है 2,30,000 और 1,90,000 जिसमें परचेज रिटर्न है 2,000, तो अगर 2,00,000 ये 2,30,000 है, तो आप देखेंगे परचेज जो है 2,30,000 है, तो 2,30,000 में 2,000 रुपया क्या रिटर्न है उसको मैं लेस कर दूंगा, 1,90,000 उसका है तो उसमें से 1,000 मैं रिटर्न कर दूंगा, तो 2,30 में से 2,000 चला गया तो 2,28,000 और 1,90 है तो 189 हो गया ठीक है। वेजेज, वेजेज देखिए कितना है, वेजेज आपको 2,00,000 और 1,00,000, वेजेज आपको दिया हुआ 2,00,000 और 1,00,000, वेजेज हो गया 2,00,000, 2,3,4,5 और 1,00,000, 2,3,4,5 अब तो हमको लगता कुछ है नहीं, उसके बाद जो भी होंगे अदर एक्सपेंसेस होंगे, और सेल्स भी हो ही गया, तो आप देखेंगे यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, क्या इसको मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद ये होगा आपको 6,26,000,
इसको मैं ऐड करूंगा तो 4,24,000, ठीक ना। ये होगा 6,26,000 और 4,24,000, यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये हो जाएगा 4,28,000 और 25, ये हो जाएगा 4,28,000 और 25, 4,63,000 क्या। तो ये लेस कर देंगे तो 1,73,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,09,000, 2,09,000 इसमें से लेस कर देंगे तो 2 लाख और तो कुछ नहीं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,09,000 होगा ना, 3,09,000 2,24 तो हो जाएगा 1,15,000, यहाँ पर 1,15,000 आएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। आप क्या करेंगे इसको बाय चार्ट लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मैं लिखूँगा 1,73,000 और 1,15,000, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का इशू नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दी हुई है इसमें क्या बोला है, इस एक्सपेंस में जो भी एक्सपेंस है उसको सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक ना। तो क्या दिया था, ऑफिस एक्सपेंसेस ये आपको दिया हुआ है, एक है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस और उसके बाद डेप्रिसिएशन, दो आइटम है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस है और दूसरा है आपको डेप्रिसिएशन है, ठीक ना। तो अब जरा बातों को समझो, यहां पे बोला है सेल्स के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मुझे सेल्स का रेशियो निकालनी पड़ेगी क्या। तो सेल्स देखो 6,00,000 और 4,00,000 है, ठीक ना, सेल्स रेशियो देखो कैसे निकलेगा, 6,00,000 है, 2, 3, 4, 5 और 4,00,000 है, 2, 3, 4, 5, ये सारा जीरो से सारा कैंसिल होता है, 6.4 बचा, 2 से कटेगा 3 दुना 6 तो 3:2 हुआ। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना है देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000 है, ये जोड़ेंगे 3 दुना 5 होगा ना, तो 5/7 सॉरी ये हो जाएगा 3/5 और उसके लिए हो जाएगा 2/5 तो 24 × 120 तो 24 × 72 यहाँ पे हो जाएगा 72,000 होगा, ठीक ना। ये 24 × 48 यहाँ पे होगा 48,000 इसके लिए होगा, ठीक ना। डेप्रिसिएशन देखो डेप्रिसिएशन है 30,000, तो यहाँ 30,000 × 3/5 एगो 30,000 × 2/5 ये 6 × 18 आइए 6 × 12, ठीक ना, 1, 2, 3 ये हो गया,
173,000 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 115,000, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पर मैं लिखूँगा 173,000, ये टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये हो जाएगा 90 घटा तो ये हो जाएगा ये 83,000 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और ये हो जाएगा 60,000 इसमें से लिस्ट किया तो 40, ये हो जाएगा 55,000, ठीक ना। अब तो कुछ है नहीं, बातों को समझ गया। 27 एक घटाने में कहीं ठीक हुआ क्या, यहाँ पर 27,000 आ रहा है भाई, 115 था ना, मिसलेनियस एक्सपेंस से छूटी हुई है 30,000 और 28,000, ठीक ना। तो मिसलेनियस एक्सपेंस से छूटा हुआ, ठीक ना, ये 30,000 है और ये 28,000 है, ठीक है, तब होगा ये 27,000 होगा, ठीक ना, और ये 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 53, ये हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग को डन हो गया, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का इशू नहीं है। जिसको भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ब्रांच या डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनती है, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन देख करके बहुत अच्छा है और अच्छे से मैंने बता भी दिया है, शायद आप लोग देख रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है और फिर नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग फिर देखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।